आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लंबित पड़े वादों को निपटाने और सुलह कराने के उद्देश्य को लेकर दीवानी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ नोडल अधिकारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद राशिद ने किया। शाम 5 बजे तक चली राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी मामले में समझौते हुए और कई मामलों को आपसी सहमति से खत्म किया गया। लगभग 2 लाख से अधिक वादों को निपटाने का था लक्ष्य। नोडल अधिकारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद राशिद का कहना था कि लगभग 2 लाख से ज्यादा मामलों को निपटाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय लोक अदालत में फैमिली कोर्ट, बैंक व टोरेंट के साथ सिविल व फौजदारी मामलों को निपटाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का उद्देश्य भी यही है कि अदालतों में लंबित चल रहे मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जा सके। विद्युत से संबंधित मामले अधिक, मोहम्मद राशिद ने बताया कि बैंक व विद्युत से संबंधित मामले भी अधिक हैं, लेकिन बिजली के मामले अधिक हैं। विद्युत से संबंधित मामले को निपटाने के लिए टोरंट और विद्युत विभाग को भी बुलाया गया है, उनके कैंप लगे हैं, लोगों की शिकायतों को निपटाया गया है। न्यूज 9 भारत के लिए आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज नेशनल लोक अदालत है और इसमें सभी अधिकारियों ने काफ़ी तैयारी की है और हमारा टारगेट जो हमने लिस्टेड किया है वो करीब 1,99,659 बात, जिसमें फैमिली कोर्ट के 74 हैं, MSCT 100, कमर्शियल कोर्ट के 160 हैं और सिविल कोर्ट के 26,056 बाद हैं। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट और अन्य विभागों से संबंधित 1,73,421 बाद चिन्हित किए गए। ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर से जो लाइट से संबंधित मामला है उनके बादों को भी काफ़ी तादाद में चिन्हित किया गया है और उनके कैंप भी यहाँ पर लगवाए गए हैं, DBNL का और टोरेंट का, और उम्मीद है कि काफ़ी लोग आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाती है, तो जनता को किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं लोक अदालत के लिए? जनता को ये मैसेज दिया जाता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी विभागों से ये कहा गया है कि जो भी ऑफेंस है और जो जनता का जो भी व्यक्त आ रहा है तो जो भी मिनिमम हो सकता है उसमें वह किया जाए उसे, और इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उसे लाभ मिलना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।